आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल हैज द शॉर्टेस्ट एनएन बॉन्ड लेंथ। हमें बताना है कि नाइट्रोजन की सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी होगी। अब हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ हमारे पास, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, अब पहले हम बात करें आर यू एन एच थ्री फाइव। ठीक है, ये ऐसे दे रखा है आर यू एन एच थ्री फाइव एन टू थ्री पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखें तो नाइट्रोजन यहाँ पे एक लिगेंड के अट्रैक्ट करा जो अपना लोन पे डोनेट करता है, तो सिर्फ इसको कंसीडर करते हैं अभी। आर यू एंड ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसने अपना लोन पेयर इसको डोनेट किया। अब रुथेनियम जो है वो अपनी, अब देखिए जब इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ये अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से, फील्ड ऑर्बिटल जो कि इसका फील्ड डी ऑर्बिटल होता है, उससे जो एन टू के पास हमारे पास जो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिसे हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये इसमें अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हमें पता है जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के। जितने ज्यादा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो मतलब एन टू में अगर हमारे पास जितने ज्यादा एन टू अपने पाई स्टार में अगर एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करेगा उतना इसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे है ना ड्यू टू दिस पाई बैक बॉन्डिंग एंड बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। और ये बॉन्ड ऑर्डर क्यों डिक्रीज होता है, ड्यू टू एडिशन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। पर ये हमारे पास हो जाता है टू टू थ्री के बीच में इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। ठीक है, लेस देन थ्री हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एन टू एच फोर की, सेकंड है एन टू एच फोर, इसमें हमारे पास इसका अगर देखें तो नाइट्रोजन दो बॉन्ड तो हमारे पास हाइड्रोजन के साथ बनाता है, दोनों नाइट्रोजन। ठीक है, और एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन का खुद का होता है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर है वन। ठीक है, थर्ड हम देखें एन टू एच टू, तो नाइट्रोजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, यहाँ नाइट्रोजन एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और डबल बॉन्ड अपने इसके साथ, अपने साथ खुद की स्पीसी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो आता है टू। ठीक है, और एन टू की बात करें तो नाइट्रोजन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड होता है दूसरे नाइट्रोजन से, अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में होता है यहाँ पे, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर है थ्री। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन का, क्योंकि जो फ्री नाइट्रोजन होती है हमारे पास फ्री नाइट्रोजन, अगर इसका देखते हैं तो यहाँ पे भी एन टू था लेकिन ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स में और पाई बैक बॉन्डिंग की वजह से तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर ऑर्डर देखूँ मैं तो सबसे ज्यादा तो एन टू जो फ्री है, फिर हमारे पास एन टू जो कॉम्प्लेक्स में है, ठीक है, फिर हमारे पास एन टू एच फोर का, फिर हमारे पास एन टू एच टू का। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारे पास एन टू फ्री का है तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसकी होगी, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी हमारे पास एन टू की फ्री वाले की, उससे बड़ी होगी हमारे पास एन टू कॉम्प्लेक्स की, उससे बड़ी होगी एन टू एच फोर की, उससे बड़ी होगी एन टू एच टू की। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ जिसकी छोटी है वो हमारे पास है एन टू। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।